सातवें नंबर का पॉइंट है अपना, सातवें नंबर का। जैसे मान लो आपके सामने कई बार ऐसा देखने को मिलेगा कि ऊपर और नीचे दोनों वाला आपका दोनों अंडर रूट के अंदर आएगा, या तो इवन, ये तो यहाँ पे कोई इवन पावर भी अंडर रूट रहेगा तो भी एक ही तरह होगा, या ये, या आपका कहीं भी ऐसे दिख गया कि इस इवन में इसके अंदर इवन, जैसे कि मान लो 2 अंडर रूट 4 अंडर रूट 8 अंडर रूट 12 अंडर रूट 2 22 अंडर रूट ऐसे रहा, तो ये इसको जब ये आएगा तो इसके डोमेन के लिए फॉर डोमेन सॉल्व बाय मेकिंग केसेस ऐसे के लिए आपको केसेस बना बना के सॉल्व करना चाहिए। क्या केसेस बनाना चाहिए कि देखो क्या चाहिए भाई अपने को, अंदर वाला एफ एक्स माइनस जी एक्स। कई बार ऐसा मिलेगा ना कि आप इसको तो कहेंगे कि ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है ना। और कई बार ऐसे होगा कि इनको ऐसे सॉल्व करने के बजाय हमें, हमारे लिए फायदेमंद क्या रहेगा, देखो केस हम क्या बनाएंगे, देखो डायरेक्ट मैं यही पर लिखता हूं केस क्या बनाएंगे कि अगर ऊपर वाला पॉजिटिव है, इफ अगर न्यूमिनेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर को, देन डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव, मस्ट बी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए। या दूसरा, या का मतलब होता है यूनियन भाई, अगर हमने यहां पे लिखा है और का मतलब है यूनियन लिया जाएगा। अगर ऊपर वाला आपका निगेटिव है, अगर ऊपर वाला निगेटिव है तो नीचे वाले को भी निगेटिव होना पड़ेगा, कि दो नंबर अगर मल्टीप्लाइड है, दो नंबर डिवाइड है, इनका डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव चाहिए, तो ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों निगेटिव होना चाहिए। तो ये दोनों कई बार हम केस बना बना के भी सॉल्व करेंगे और तब भी अपने को आंसर निकालेंगे कि अगर ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जैसे कभी कभी आपका आपका किसी में सिग्नम आ गया, किसी में ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया और किसी में पॉलिनोमियल आ गया, कहीं साइन एक्स आ गया और कहीं आपका पॉलिनोमियल आ गया, तो अगर मान लो दोनों पॉलिनोमियल है तब तो हम इनइक्वालिटी से कर लेंगे। अगर पॉलिनोमियल नहीं हुआ तो उस केस में हम इसको करने के लिए यूज करेंगे, यही केस बनाकर यूज करेंगे। अभी सवाल करेंगे इसके ऊपर तो समझ में आएगा बात, यानी दोनों का, ये दोनों की जो वैल्यू आएगी उससे अपना इसी, यही आपका डोमेन हो जाएगा, यही डोमेन हो जाएगा कि यानी ऊपर नीचे दोनों वाले को पॉजिटिव या दोनों को नेगेटिव रख के यूनियन कर लेंगे तो आपका आंसर ही डोमेन दे देगा। ये आपका रहा सातवें नंबर का पॉइंट। अगर मैं आठवें नंबर के पॉइंट पे बात करूं, हर आठवें नंबर के पॉइंट पे बात करूं, छोटे से अगर छोटा सा बात, या चलो एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे देखो एग्जांपल अगर हम करें क्वेश्चन, कि मान लो लिखा है कि y इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस मॉड x, चूंकि मॉड मैं करा चुका हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, कि पावर 1/12 अगर लिखा है, इसका डोमेन पूछ रहा है, फाइंड डोमेन। कितना आसान सी बात है ना, कि देखो पीछे जैसा आपका सवाल है उसी पे आपका ही चिपका दिया, कि देखो यहां के लिए यानी अपने पास है, आ गया अपने पास y इज इक्वल टू 12 अंडर रूट x अपॉन 1 माइनस मॉड x, ठीक है ना। तो इसका क्या चांसेस हो सकता है, केस वन बनाएंगे। केस वन क्या कहता है भाई, कि x अपॉन 1 माइनस मॉड x शुड बी पॉजिटिव या यूनियन, या केस टू बनाएंगे अपन लोग। केस टू क्या कहता है, x अपॉन 1 माइनस मॉड x, अच्छा ये आपका ये पॉजिटिव होना चाहिए तो यहां पे केस बनाते हैं। केस वन यहां पे लेते हैं कि आपका, यहाँ पे केस लेते हैं कि अगर ये अंदर वाला चीज पॉजिटिव चाहिए तो एक तो केस ये हो जाएगा कि x अपॉन x भी आपका पॉजिटिव हो जाए, या एंड 1 माइनस मॉड x, एंड का मतलब है यहाँ पे तो इंटरसेक्शन लेंगे तो 1 माइनस x आपका पॉजिटिव हो जाए, या फिर आपका यहीं पे और, या ऊपर वाला आपका निगेटिव हो जाए, एंड का मतलब यहाँ पे तो इंटरसेक्शन लेंगे, बाकी इन दोनों का आपका आंसर का यूनियन ले लेंगे, 1 माइनस मॉड x आपका लेस देन जीरो हो जाए। बात समझ में आ रही है बच्चों, देखो यहाँ तो x और देखो ये मॉड x, उसको उधर भेजा तो ये आपका हो गया मॉड x, यानी 1 शुड बी ग्रेटर लेस देन आपका मॉड x हो गया, तो ये आपका मॉड x शुड बी लेस देन 1 हो गया। मतलब आपको ये बात कल यानी पिछले लेक्चर मैंने बताया था, माइनस 1 से लेके 1 तक हो गया, तो ये आपका यहां से इन दोनों का इंटरसेक्शन आया, इनका इंटरसेक्शन, देखो इंटरसेक्शन क्या है यहाँ पे, क्योंकि एंड लगा है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होगा, क्या है इंटरसेक्शन,
देखो तो बच्चों क्या है इंटरसेक्शन, x बिलोंग टू यहाँ और यहाँ पे आप तो समझ सकते हो यार कि बात जीरो से वन तक मैंने लिख दिया। यहाँ पे देखो ये आया मॉड x शुड बी, ये उधर जाएगा तो ग्रेटर देन वन आ गया, और ये वैल्यू आपको कल ही यानी पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ये माइनस इनफाइनाइट से कहीं ये माइनस वन होगा, कहीं ये वन होगा, वन से आगे माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन तक, यानी x बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन यूनियन वन से इनफाइनाइट। अब इनका और इनका इंटरसेक्शन बताओ भाई, इंटरसेक्शन क्या आया तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, क्लियरली दिख रहा है कि जीरो से छोटा और यहां पे ये है। अब इन दोनों का क्या कह रहा है भाई, यूनियन, इन दोनों का यूनियन कितना आंसर हो जाएगा, जीरो से लेके वन तक यूनियन माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस वन तक। ऐसा लिखने में पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, बात समझ आ रही है। y इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट में मॉड x माइनस एक्स, अगर कभी ये रहा तो आपका इसका डोमेन पूछ दिया कि डोमेन क्या है, तो इस सवाल का डोमेन निकालने के लिए भी क्या करेंगे अपन लोग, ये तो देखो सीधे अंडर रूट में है नीचे में, तो हम क्या करेंगे पुट कर देंगे भाई मॉड x माइनस एक्स, अंदर वाला ग्रेटर देन शुड बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। लेकिन जब मॉड x होता है तो अपन लोग क्या खोलते हैं, जैसे ही मॉड x होता है तो इसके लिए मॉड x के लिए हम दो बातें कहते हैं कि या तो x पॉजिटिव रहेगा अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो रहेगा, या आपका x निगेटिव रहेगा। अगर x पॉजिटिव हुआ तो x पॉजिटिव होने से ये कैसे ओपन हो जाएगा, देखो ये भी x हो जाएगा और x माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, जीरो ग्रेटर देन जीरो क्या संभव है क्या यहाँ पे, नॉट पॉसिबल, यानी x तो आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, या मतलब आप यहाँ पे यानी x यहाँ से बिलोंगिंग टू फाइव कुछ नहीं मिला, मतलब फाइव लेस देन जीरो होगा तो माइनस खुलेगा, यानी माइनस माइनस एक्स खुल जाएगा, और ये आपका माइनस एक्स पहले से है ग्रेटर देन जीरो, मतलब माइनस टू एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्स लेस देन जीरो। यहां से क्या मिला एक्स, अच्छा इसका इसका और इसका इंटरसेक्शन देखो सेम मिला, इंटरसेक्शन दोनों एक ही बात कह रहा है, इंटरसेक्शन दोनों सेम बात कह रहा है कि एक्स लेस देन जीरो मतलब माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक, ठीक है ये बात अपने पास है। और इन दोनों का आर का मतलब क्या है, ये यूनियन भाई, एक ही बात मैं बोलता हूं, फंडा एक ही है इसका, इस फाइव का और किसी का भी यूनियन लेंगे तो यूनियन यही दे देगा, फंडा एक ही होता है। देखो फंडा क्या होता है ना कि जब किसी केस के अंदर आप बात करते हो, केस के इनसाइड रहते हो, तो हमेशा यूनियन लेना, एकदम फिक्स कर लेना कि सर इंटरसेक्शन लेना, सर आप एकदम ये बात सोचना कि सर कैसे हमको पता चलेगा कि कब आर लगाना है कब एंड लगाना है, कि सर आप कभी एंड लगा रहे हो कभी आर लगा रहे हो, तो ये जरूर आपके लिए समस्या की बात है कि पता कर पाना कि कब एंड लगेगा कब आर लगेगा। इसका सिंपल सा फंडा जो होता है समझ लेना चाहिए वो ये कि जब हम किसी केस के अंदर रहे, कभी किसी केस के अंदर हम बात कर रहे हो कि ये किसी, जैसे मान लो ये केस है ना कि x ग्रेटर देन 0 वाला केस है या x लेस देन 0 वाला केस है, तो अगर केस के अंदर रहेंगे तो इंटरसेक्शन और केस से बाहर निकल के आंसर लिखना होगा, सारे केस मिला के आंसर लिखना होगा, तो उस समय यूनियन लेंगे हमेशा आप क्या ये काम करोगे, जैसे इस केस के अंदर इंटरसेक्शन, इस केस के अंदर इंटरसेक्शन, और जब इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो यूनियन, मतलब आपका यूनियन यानी और लगा के यूनियन लगा के आंसर लिखेंगे, बात समझ में आ रही है। इसी में मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि डोमेन ऑफ कितने 6-7 पॉइंट हो गया था, आठवां पॉइंट देखो, 7 पॉइंट हो गया था, आठवें पॉइंट पे आते हैं। आठवां पॉइंट ये है कि डोमेन ऑफ, मतलब ऐसे तो इनवर्स के लिए अलग से ही पढ़ाते हैं, पर यहां दो चीजों के लिए अपन यूज कर सकते हैं, साइन इनवर्स एफएक्स डोमेन ऑफ पहला वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स, एंड दूसरा वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एफ ऑफ एक्स। फायदा ये होगा कि हमारा थोड़ा सा एरिया खुल जाएगा आपको पढ़ाने का, आपका अगर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स कभी भी देखने को मिल जाए तो इनको डोमेन के लिए क्या करो, उठा के पस ओनली फॉर डोमेन, फॉर डोमेन पुट इनसाइड फंक्शन, जो भी साइन इनवर्स के अंदर जो भी है उसको उठा के माइनस वन से वन के बीच में रख दो, और यहां से गेट वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज द डोमेन, गेट वैल्यू ऑफ एक्स, इट इज डोमेन, इट इज द डोमेन, यही आपका डोमेन हो जाएगा। बोला बात समझ में आया, यही आपका डोमेन हो जाएगा। कब क्या करना है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दिखते ही किसमें डाल देना, उठा के माइनस वन से वन के बीच में डाल देना है। जैसे सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो किसी ने कहा कि फाइंड डोमेन ऑफ
क्योंकि कब तक हम अंडर रूट पे खेलेंगे यार, अंडर रूट को किसी से क्या कंबाइन भी तो करें, और इसके बाद थोड़ा लॉग ब्लॉक पे भी चलेंगे, फाइंड डोमेन ऑफ, जैसे किसी ने कहा कि आपको डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 3-4x का डोमेन चाहिए, हम क्या करेंगे, डोमेन के लिए सीधे जो भी इनसाइड फंक्शन है उसको उठा के रख देंगे -1 से 1 के बीच में, 3-4x को उठा के 1 से 1 के बीच में रख दिया, सब में 3 जोड़ दिया, 3 जोड़ते इधर हो गया 2, इधर हो गया -4, इधर हो गया आपका कितना, 3 जोड़ते ही 4 आ गया, सब में -4 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी, या पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज कर लेते हैं, एक ही साथ दो स्टेप शायद आपसे बर्दाश्त ना हो पाए, तो ये आपका हो गया -2, देखो दोनों में लग गया माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही फिर 4 से डिवाइड किया तो -1x और ये -2/4 यानी -1 <= x <= -1/2 यानी x की वैल्यू कितना आ गई भाई, -1 से लेके 1 -1/2 तक, तभी तक ये इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स आएगा तो उसके अंदर जो फंक्शन होगा उसको उठा किसके बीच में डाल देना है, -1 से 1 के बीच में डाल देना है, यही आपका फंडा होता है, बिल्कुल बेसिक फंडा होता है, ठीक है। फिर जैसे मान लो किसी ने कहा आपसे क्वेश्चन, डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स मॉड 2x-3+2, इसका डोमेन बताना है, मॉड है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा डोमेन, इसका डोमेन आपका हो जाएगा भाई क्या उठा के डाल देंगे, मॉड 2x-3 और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए -2 कर देता हूँ, -2, तो ये -2 को उठा के डाल दिया हमने -1 से 1 के बीच में, पूरे में पहले क्या किया, -2 से -2 को जोड़ दिया, पूरे में +2 जोड़ते ही ये 1 से लेके मॉड 2x-3 <= आपका हो गया कितना 3, आ रही बात समझ में, और इसके बाद मैंने क्या कहा था कल इसके लिए कि वही रॉबिन हुड मेथड, पिछले दिन में रॉबिन हुड वाला, यानी रॉबिन भैया क्या हो, पहले आज के दिन में रॉबिन कौन है, कहाँ पे रॉबिन है, रॉबिन भाई दौड़ेगा, रॉबिन के पास आजादी मिलने वाली है, तो ये दौड़ेगा, आजादी की सबको चाहिए, ठीक है, तो आजादी यानी यहाँ पे 3 पे खड़ा है ये रॉबिन, कहाँ पे खड़ा है 3 पे, 3 पे है ये रॉबिन, कौन है रॉबिन 2x, 3 पे आगे 3 लंबाई की आपका तार फेंका तो 3 का तार फेंकते ही कहाँ पहुंचा 6 पे, पीछे 3 का फेंका तो कहां पहुंचा 0 पे, फिर देखा अच्छा लेस देन आर इक्वल टू का मतलब इनके बीच में ही इसको रहना है, लेकिन ये इसके बीच में रहने की कोशिश तो कर रहा था, बट ये देखा कि पीछे एक 1 लगा है तो इसमें एक और 3 से आगे एक 1 लंबाई की रस्सी फेंका तो पहुंचा आपका 4 पे, ये 1 फेंकते 4 पे पहुंचा, पीछे 1 की फेंकेगा क्योंकि रॉबिन चालू आदमी है, आगे पीछे दोनों, जैसे इधर फेंक सकता तो पीछे भी बात कर सकता इधर या इधर, तो क्या पहुंचा यहाँ पे 2 पे पहुंचे, तो इसके बाद देखा कि ग्रेटर देन लगा है तो इसके बाहर दौड़ना पड़ेगा इसको, तो अब ये देखा कि भाई अब सबकी बात मानेगा, अच्छा लड़का है तो ये दोनों के बीच में आपका, यानी जहां पे दोनों लोग एग्री कर रहे हैं वहां पर आ जाएगा, दोनों लोग एग्री कर रहे हैं 4 से 6 में और 0 से 2 में, यानी 2x की वैल्यू हो गई आपका 0 से लेकर 2 यूनियन 4 से लेकर 6 और सब पे क्लोज। फिर क्या करेगा भाई, चूंकि हमें तो डोमेन के लिए x की वैल्यू चाहिए तो सब में 2 से डिवाइड कर दो भाई, बस यही आपका आंसर हो गया, 0 से 1 2 से 3 बस यही आपका डोमेन हो गया, बात समझ में आया, तो इस तरह से अगर इनवर्स फंक्शन भी रहेगा तो हम लोग डोमेन निकाल लेंगे। और जरा सा सवाल लेते हैं, एक बात बस मैं आपसे पूछ लेता हूं यहां पे 9th नंबर में, मान लो कि मैंने कहा कि मॉड एक्स लेस देन 3 और ग्रेटर देन -4, तो किसको हम कैसे मानेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, तो इसका मतलब ये होता है, 8वां ये है, 9th वाला ये पॉइंट में दिखा रहा हूं आपके सामने, तो जब भी एक बात देखो कि क्या होता है ना, कहानी बहुत, दुनिया ये बहुत ही जालिम होती है, जो चीज आप रोज काम करते हो ना उसको आप इग्नोर कर देती है, जैसे आप रोज स्कूल आते हो, रोज कक्षा में आते हो, रोज पढ़ाई करते हो, रोज होमवर्क करते हो, तो आपसे ना टीचर ना आपके पेरेंट्स ना कोई ये नहीं पूछेगा कि रोज जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आप किसी एक दिन रोज होमवर्क करके आ रहे हो, एक दिन करके नहीं आओ, रोज स्कूल जा रहे हो, एक दिन स्कूल मत जाओ, तो अगर ऐसा होता है तो आपसे घर वाले पूछने लगेंगे कि आज क्यों नहीं गए, आज क्यों नहीं गए, आज होमवर्क क्यों नहीं करके आए, सूरज रोज पूर्व से उगता है तो आपको कोई बताने थोड़ी जाएगा कि आज सूरज उगा है, देखो पूर्व से उगा है,
अगर ये सूरज पश्चिम से उग गया तो सब लोग आके आपको बताएंगे कि अरे सूर्य तो पश्चिम से निकला, मतलब ऐसे कहना गलत है, पर मैं बोल दे रहा हूँ कि भाई कंसेप्चुअल तो सूर्य उगता है या डूबता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम बचपन से देखते आ रहे हैं, ठीक है ना, कि हाँ ऐसे हो रहा है, तो वही हम बस बात बोल रहे हैं। तो ऐसा कुछ एकदम एक्सेप्शनल चीज, सूर्य आज रोशनी दे रहा है, सूर्य रोशनी दे रहा है, रोज दे रहा है, लेकिन किसी दिन सूर्य अंधकार देने लगे, आपको दिखने लगे, आपको कोई हर कोई कहने लगे यार सूर्य अंधकार दे रहा है, ये तो देखो ना सूर्य कैसे किसी रोज एक एक आपको दूसरी कलर की लाइट येलो लाइट मिलती है सूर्य से, मान लो किसी दिन सूर्य से लाल मिलने लगी तो आपको बताया जाएगा कि देखो सूर्य से लाल रोशनी मिल रही है। तो जो चीज हमेशा होता है उसको लोग इग्नोर करते हैं, जो ऑलवेज होता है उसको लोग इग्नोर करते हैं, जो एक्सेप्शनल होता है उसी को लोग चर्चा करते हैं। तो देखो ये क्या है ना कि मॉडुलस एक पॉजिटिव फंक्शन है, ध्यान रखना, ये नेगेटिव है, इधर नेगेटिव है, और हम जान रहे हैं कि नेगेटिव यहाँ पे ग्रेटर देन लगा है, तो हम जान रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होता है, ये ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। और जब ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा तो जो चीज ऑलवेज होगा उसको हम इग्नोर कर देंगे, मतलब इसको इग्नोर करके क्या लिखेंगे, सिर्फ मॉड एक्स लेस देन तीन, और इसकी वैल्यू आप भूल डाल के निकाल लेना माइनस तीन से तीन के बीच में। जैसे अंडर रूट एक्स माइनस टू अगर आ गया कि लेस देन फोर और ग्रेटर देन माइनस वन, आरे बात समझ में, लेस देन आर इक्वल टू फोर और ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस है, ग्रेटर देन माइनस वन। तो फिर से हम जानते हैं कि ये मॉडुलस फंक्शन हमेशा कैसा पॉजिटिव, और ये वाला कैसा नेगेटिव। क्या ये नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से हमेशा छोटी होती है, या पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ी होती है, ये ऑलवेज होता है। अगर ये ऑलवेज होता है तो हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर, क्या कर देंगे इसको इग्नोर। इग्नोर करने के बाद यानी क्या बचेगा, अंडर रूट एक्स माइनस टू लेस देन आर इक्वल टू फोर, आ रही बात समझ में। सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, दोनों पॉजिटिव नंबर है, स्क्वायरिंग करोगे कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई सब आंसर मिल जाएगा, एक्स माइनस टू सिक्सटीन, एक्स लेस देन आर इक्वल टू एटीन। जब जब आपका एक्स की वैल्यू 18 से छोटा लेंगे तो ये आपका, अच्छा ये तो आपका इसका आया, बट एक और बात अपने को ध्यान देना है, बट ये इसमें हाँ x माइनस टू तो ये 16 हो गया, x लेस देन आर इक्वल टू, बट आपका अंडर रूट की भी तो अपनी समस्या है। बोलेगा अंडर रूट ना कि भाई अपने को भी तो एक प्रॉब्लम है कि अपन लोग तो क्या रहेंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो रहेंगे ना, ये तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा भाई, समस्या सॉल्व हो गई अपनी, दो से बड़ा और 18 से छोटा। अब दो से बड़ा 18 छोटा कुछ भी रख के देखो, हमेशा ये वैल्यू आपकी 4 से छोटी आएगी, दो से बड़ा और 18 छोटा कुछ भी रख के देखो हमेशा 4 से छोटी आएगी, यानी गिल्टी आपका अप्लाई करेगी, लागू रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो ये आपके 9th नंबर पे ये आपको सीखने को मिला कि जो चीज हमेशा होता है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अब जरा सा सवाल बनाते हैं इनका मिला जुला कोई कॉम्बिनेशन, जैसे मान लो सवाल आपके सामने आया, क्वेश्चन आया आपके सामने कि डोमेन ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट में 3 माइनस एक्स, ठीक है, इसका आपको आपसे डोमेन पूछा, एकदम सिंपल सिंपल सवाल ले रहा हूं, पहले एकदम बेसिक बेसिक सवाल सिंपल सिंपल ले रहा हूं। तो जैसे ही आपने साइन इनवर्स देखा तो आप कहेंगे भाई देखो साइन इनवर्स है तो हम सबसे पहले तो साइन इनवर्स के अंदर जो भी है उसको हम डाल देंगे माइनस वन से वन के बीच में, लेकिन अंडर रूट की अपनी समस्या सबको बताएगा कि नहीं बताएगा, कि अंडर रूट बोलेगा कि हमारी भी तो कुछ समस्या, हमारी भी तो परेशानी, सुन लो भाई माइनस वन से वन के बीच में डालने से पहले मेरी भी तो कुछ समस्या है उसको सुन लो। तो आप बोलेगा कि हाँ बताओ भाई तुम्हारी क्या समस्या, तो बोलेगा पीछे पड़े तो हो हमसे क्या पूछ रहे हो, बोल दो ना ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स आपका लेस देन आर इक्वल टू थ्री, ए आपका मिल गया। अब ये बट का मतलब ये है एंड, अच्छा ये आपका ये देखो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये ऑलवेज है, ऑलवेज है, तो क्या होगा ये इग्नोर, क्या बचेगा अपने पास, तो अंडर रूट के अंदर 3 माइनस 6 शुड बी लेस देन आर इक्वल टू जीरो, स्क्वायरिंग किया 3 माइनस 6 शुड बी लेस देन आर इक्वल टू वन, एक्स को उधर ले गया 3 को इधर लेके आया तो 3 माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 आया, एक कह रहा है कि 2 से बड़ा और एक कह रहा है कि 3 से छोटा, इंटरसेक्शन बता दो ना भाई यहाँ पे,
इंटरसेक्शन, एक कह रहा है कि दो से बड़ा, एक कह रहा है कि तीन से छोटा, तो ये आपका इंटरसेक्शन आया आपका दो से लेके तीन तक, यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई कि अंडर रूट, यानी अब हम थोड़ा कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, अब इसमें थोड़ा अब लॉग भी डालेंगे, अंडर रूट भी डालेंगे, सब कुछ डालेंगे, थोड़ा और भी चीजें अपनी बढ़ाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैं सवाल ले लूं आपका कि डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका डोमेन क्या होगा? तो क्या होगा भाई, देखो ये ऊपर में कुछ है इसको अगर हम f कहें, नीचे में कुछ है इसको g कहें, तो ऊपर में f का डोमेन निकालो, g का डोमेन निकालो, फिर दोनों का क्या कर दो, इंटरसेक्शन। फंडामेंटल समझ में आया? क्या करना है, ऊपर का अलग डोमेन निकालना है, नीचे का अलग डोमेन निकालना है, दोनों को इन दोनों का इंटरसेक्शन कर देना है। देखो ऊपर का डोमेन, डोमेन ऑफ f के लिए क्या करेंगे भाई, तो साइन इनवर्स है तो इसको जो भी है उसको किसके बीच में डाल देंगे, माइनस वन से वन के बीच में डाल देंगे। अब जैसे देखो ये आपका हो गया क्या, पूरे में कितना जोड़ देंगे, पूरे में आप एक काम करो 9 जोड़ दो, पूरे में 9 जोड़ते ही आपको ये हो गया 8 लेस देन आर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू, इधर कितना बच गया आपका 8 जोड़ दिया आपने, तो 8 जोड़ दिया तो कितना बच, 9 जोड़ दिया तो कितना बच गया 10। आ रही बात समझ में ना, तो ये आपका हो गया 10। अब 10 के बाद जैसे देखो इसमें हमने और क्या किया आपका, दूसरा काम किया हमने कि पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, आ गया माइनस 10 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू माइनस 8। क्या ये आपका कोई पॉजिटिव नंबर है क्या, क्या ये एक नेगेटिव नंबर है क्या, क्या एक नेगेटिव नंबर है क्या, क्या कोई पॉजिटिव, अरे एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा ना, पहले दिन लिखा चुका हूं मैं, तो बताओ क्या कोई पॉजिटिव नंबर दो नेगेटिव नंबर के बीच में लाई कर सकती है क्या, कभी भी किसी भी केस में। लेकिन लेकिन एक चीज गड़बड़ हुआ है, ये 9 घटाना था ना, सॉरी माइनस 10 हो गया और ये शायद अरे उल्टा हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, अब मैंने जोड़ा क्यों था, सॉरी ये घटाना था ना, ये क्या कर दिया मैंने, देखो यहाँ पे 9 घटा दिया तो ये क्या हो गया आपका माइनस 10 लेस देन आर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 9 घटाया तो माइनस 8। फिर जैसे ही हमने इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया किससे, माइनस से, तो ये हो गया 8, इनइक्वालिटी चेंज हो गया, एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 10। आई बात समझ में, यहां से दो बातें अपने पास पता चलती है, इसको सॉल्व करने का तरीका दो बातें पता चलती है कि एक लिखा है 8 लेस देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लिखा है, देखो भाई एक ही बात में बात चल रही है, एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 10 क्या हो जाएगा आपका, ऐसे केस में क्या बन जाएगा ये आपका, फिर आपका ये हो गया एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8 एंड ये है एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 10, यानी ये एक्स स्क्वायर माइनस 8 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी एक्स माइनस 2 रूट 2 एक फैक्टर हुआ और एक्स प्लस 2 रूट 2 एक फैक्टर हुआ, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एक्स बिलोंग टू आया माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 रूट 2, ये आपने कर चुके हैं बहुत बार इसलिए मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, यूनियन 2 रूट 2 से लेके इनफाइनाइट तक, एक तो ये बात आ गई एंड ये कह रहा है आपसे एक्स माइनस रूट 2 एक जगह और एक्स प्लस रूट 10 एक जगह, तो लेस देन आर इक्वल टू 0 यहां से एक्स की वैल्यू आई आपकी माइनस रूट 10 से प्लस रूट 10 के बीच में, दोनों पे क्लोज इंटरवल, ठीक है ना, ये तो ये आया। फिर नीचे वाले को भी जरा सॉल्व कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 डोमेन ऑफ जी, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अभी करना बाकी है भाई, इंटरसेक्शन करना बाकी है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन सिर्फ ग्रेटर देन 0 क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो ये हो गया एक्स माइनस 2 एक्स माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। बात समझ में आ गई, सबका इंटरसेक्शन करना है, इसका 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 सबका इंटरसेक्शन करना है, और सबका इंटरसेक्शन करते हैं, मिलके इंटरसेक्शन करते हैं, कैसे इंटरसेक्शन निकालेंगे देखो यहां पे, इसके लिए इस बार मैं थोड़ा अलग अलग कलर का चॉक लूंगा, सब लोग मिलके इंटरसेक्शन निकालेंगे फटाफट। हाँ देखो एक है नंबर लाइन सबसे पहले खींच लिया, एक कह रहा है कि माइनस इनफाइनाइट से
प्लस माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू रूट टू तक, माइनस टू रूट टू की वैल्यू मैं यहां पे लिख रहा हूं 1.48 में 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2.8 के आसपास आएगा, ठीक है 2.28 के आसपास आएगा, ठीक है। फिर यहां से फिर कह रहा है, तो ये कह रहा है कि यहां से लेके यहां तक ये चल गया, फिर यहां पे कह रहा है कि 2√2 इसकी वैल्यू अगर मैं लिखूं तो 2.828 हो जाएगा, कह रहा है ये इससे आगे चल रहा है, एक बात है। दूसरा माइनस रूट टेन ये माइनस होना चाहिए, माइनस का माइनस रूट टेन से माइनस रूट टेन का मतलब -3 समथिंग, तो यहां कहीं पीछे आएगा, देखो 2.8 ये है तो इसके कहीं पीछे होगा कहीं यहां पे माइनस रूट टेन, और प्लस रूट टेन 3 समथिंग होगा तो यहां होगा प्लस रूट टेन, ये इसके आगे जाने की बात कर रहा है, ये इनके बीच में रहने की बात कर रहा है, ये इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, अभी तक ये पता चला। ये कह रहा है कि माइनस टू से माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू और टू से इनफाइनाइट, देखो माइनस टू कहीं यहां होगा, माइनस टू कहीं यहां होगा, टू कहीं यहां होगा, तो ये कह रहा है कि टू पे ओपन है, ओपन से लेके यहां तक आगे तक, और एक कह रहा है कि माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस टू तक, ठीक है ना, ये ओपन तक। बताओ तीनों लाइन कहाँ है, देखो सिर्फ यहीं पे तीनों लाइन दिख रही है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सफेद और ये पिंक और ये थोड़ा सा जो भी ब्राउनी येलो टाइप की येलोइश है, तो क्या दिख रहा है इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन दिख रहा है भाई यहाँ पे एक्स बिलोंग टू 2√2 से लेकर सॉरी -√10 से लेकर और -√10 तीनों में इंक्लूडेड है, इसमें 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 से लेके -√2 तक यूनियन, फिर 2√2 तीनों में इंक्लूडेड है से लेके √10 जो तीनों में इंक्लूडेड है, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका इंटरसेक्शन हो गया। बात समझ में आया, कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं, ये क्या करना है जब भी आएगा सवाल तो जैसे जैसे जो फंडा पड़े साइन इनवर्स रहा तो साइन इनवर्स को उसके अंदर पुट करेंगे, और आपका अंडर रूट रहा तो अंडर रूट को पॉजिटिव कर देंगे, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स रहा तो -1 से +1 के बीच में कर देंगे, यही आपका पूरा फंडा है। फिर बाकी अगले लेक्चर में कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है ना, अगले लेक्चर में थोड़ा सा इसको और डोमेन रेंज पे और प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे हर टाइप के सवाल तब जाके हम अब डोमेन और रेंज में पक्का हो पाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, जितना टाइम डोमेन और रेंज में लगता है पढ़ने में उतना टाइम बाकी फंक्शंस की चीजों को पढ़ने में, मतलब ऑड इवन और फिर आपका पीरियोडिक इनवर्स बाकी चीजें जो हैं उनको पढ़ने में समय लगता है, बाकी ज्यादातर समय इसमें डोमेन और रेंज में हम लोग टाइम इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट का फायदा हमें आगे मिलता है बाकी चीजें करने में। चलो आज के लिए बाय बाय।